एशिया प्रीमियर कप जो अप्रैल में होना है, सेकंड हाफ से अगर हम बात करें तो वहां को लेकर ये तीन टीमें जो रही हैं, कुवैत, मलेशिया और हांगकांग, इन तीनों के बीच में एक वनडे सीरीज जो रही उसके लिहाज से अगर आप देख सकते हैं तो प्रीमियर कप के लिहाज से प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इससे ट्राई सीरीज की अगर हम बात करें तो यहां पर तीनों टीमों का परफॉर्मेंस कैसा रहा और किस तरह की तैयारी हांगकांग की यहां पर रही है प्रीमियर कप को लेकर, और मलेशिया और कुवैत की किस तरह से परफॉर्मेंस यहां पर रही है उसके बारे में आपको बताते हैं, और ओवरऑल इस पूरे वनडे ट्राई सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस ये हांगकांग, कुवैत और मलेशिया की। तो यहां सबसे पहले टीमों की यहां बात करें तो डेफिनेटली अगर हम विंस की बात करें तो हांगकांग यहां पर डेफिनेटली तीन मैचेस उन्होंने खेले और तीनों मैचों में उन्हें जीत मिली है। वहीं कुवैत की बात करें तो उन्होंने तीन मैचेस खेले जिसमें उन्हें एक में जीत मिली, दो में हार मिली, और मलेशिया की बात करें तो दो मैचेस खेले और दोनों में ही उन्हें हार का यहां पर सामना करना पड़ा है। डेफिनेटली कुवैत फाइनल खेला इसीलिए उनके तीन मैचेस यहां पर हो जाते हैं। तो ये तो बात रही इस पूरे वनडे ट्राई सीरीज में, लेकिन डेफिनेटली आपको क्रेडिट देना होगा कि कुवैत ने जिस तरह से क्रिकेट खेला है काफी बेहतर क्रिकेट खेला है। इससे पहले जो T20I सीरीज हुई वहां पर उन्होंने थर्ड जो प्लेस है वो ग्रैब किया था बहरीन को हराकर, और यहां पर बात करें तो फाइनल उन्होंने खेला, हांगकांग और कुवैत का फाइनल हुआ जो कि आज और ज्यादा मोहर लगाता है कि कुवैत की परफॉर्मेंस कितनी शानदार रही है। एंड कुवैत 5 रन से सिर्फ रह गया, टीम ऑल आउट हो गई, मेरे ख्याल से 13 बॉलें और बची थी। अगर 13 बॉलें वो और कंप्लीट कर पाते, अगर वो कम से कम पूरे ओवर भी खेलने की कोशिश करते, डेफिनेटली ये मैच जीत सकते थे और एक बहुत बड़ा अपसेट यहाँ पर हांगकांग को वो देते, उनके घर में घुस कर खेलने के। बिल्कुल सही कहा आपने, और हांगकांग 268 पे ऑल आउट हो गई थी 49.4 ओवर में, पर जैसा आपने कहा बहुत करीब आकर 5 रन से 263 पे यहाँ पर ऑल आउट हुई अगर हम कुवैत की बात करें। और 13 बॉले आपने फिर ये भी सही कहा कि अगर 13 बॉले थोड़ा सा खेल जाते तो पक्का डेफिनेटली यहाँ पर आज कुवैत इस फाइनल को, इतने बड़े फाइनल को जीत लेता हांगकांग के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये बहुत बेहतरीन जीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट रहे होंगे कि इतना क्लोज जाके, चलिए पहले हार जाते तो समझ में आता है, चलिए वन साइडेड मैच था, एक तरफा हम हार गए, लेकिन कहना होगा कुवैत ने बहुत बेहतरीन एफर्ट दिखाया आज बॉल से भी, कि जब ऑल आउट किया हांगकांग को, और जबकि एक जबरदस्त पार्टनरशिप भी हो गई थी हांगकांग के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बैटिंग से भी काफी इंप्रेस यहां पर जरूर किया है। अब एंड ओवरऑल स्टैट्स की बात कर लेते हैं, यहां पर इस टूर्नामेंट में, ट्राई सीरीज में टॉप 2 सबसे ज्यादा रन मारने वाले प्लेयर्स जो है वो कौन से रहे? बिल्कुल, और दोनों ही हांगकांग के लिए रहे हैं। अगर हम पहला नाम ले अंशुमन रथ, जिन्होंने बहुत सारा जबरदस्त तरीके से इस सीरीज में वो चले हैं, 86 का एवरेज से 3 मैचेस में 258 रन उन्होंने बनाए जिसमें 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी भी है। वहीं पर पावर हयात जो दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने हांगकांग के ही एज यूजुअल 3 मैचेस में 155 रन उन्होंने किए 51 के एवरेज से जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज भी उन्होंने लगाए। बिल्कुल, तो ये दोनों रहे हैं, दोनों ही हांगकांग के लिए रहे हैं। और उसके बाद बात करें मोस्ट विकेट्स की, डेफिनेटली एहसान खान और आयुष शुक्ला, बिल्कुल ये दोनों रहे हैं, इसमें कोई धरा नहीं। और एहसान खान इस लिस्ट में आन बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, उन्हें तो मेरे ख्याल से प्रीमियर कप होगा वो भी जब मोस्ट विकेट्स की टैली होगी, डेफिनेटली संदीप वगैरह और भी जो एक दो बॉलर्स हैं उनके साथ ये भी टॉप लिस्ट में ट्रेंड कर ही रहे होंगे जब प्रीमियर कप में हम बात करेंगे बॉलर्स के बारे में। एहसान खान 3 मैचों में 7 विकेट निकाले, 3.4 की इकॉनमी रही है, और आयुष शुक्ला की बात करें 3 मैच में 6 विकेट निकाले और 5.23 की उनकी इकॉनमी रही है। अब यहां पर बात कर लेते हैं हाईएस्ट टोटल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या कुछ रहा है? बिल्कुल, हाईएस्ट टीम टोटल की बात करें तो यहां हांगकांग ने 318 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर मलेशिया के खिलाफ। जी हां, ये इस सीरीज का हाईएस्ट टोटल था जो टीम टोटल। वहीं पर लोएस्ट टीम टोटल की बात करें तो यहां पर मलेशिया ने जो कुवैत के खिलाफ लगाया था 107 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई मलेशिया की, और कुवैत की एक्सेप्शनल बॉलिंग उसमें हमें देखने को मिली। बिल्कुल, वही बात करें हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की तो वो रहे थे अंशुमन रथ जिन्होंने 130 रन मारे थे मलेशिया के खिलाफ, वो सबसे बड़ी इनिंग रही है इस पूरे ट्राई सीरीज में अगर हम किसी भी बैट्समैन की तरफ से बात करें। एंड उसके बाद और क्या डिटेल्स आपके पास, खास करके बेस्ट बॉलिंग फिगर क्या रहा है? नहीं, जरूर एहसान खान का रहा है, और वो भी आज ही आया फाइनल बेस्ट बॉलिंग फिगर भी डायरेक्ट फाइनल में जाकर आया है, जो कि 9.5 ओवर 0 मैनिंग 39 रन देकर 4 विकेट एहसान खान ने जो निकाले हैं आज फाइनल में कुवैत के खिलाफ। बिल्कुल, और सेंचुरीज की बात करें तो 3 सेंचुरीज यहां लगी हैं, 2 लगाए हैं हांगकांग की तरफ से नजाकत खान और अंशुमन रत्न, और वहीं बात करें एक और आए विजय उन्नी, जी हाँ इसमें डेफिनेटली करना होगा मलेशिया की तरफ से, उन्होंने यहाँ पर सेंचुरी लगाई, यही 3 सेंचुरीज इस टूर्नामेंट में आई हैं। अब यहाँ पर जरा कुवैत की आज बात कर लेते हैं, डेफिनेटली एंड कुवैत ने इंप्रेस जरूर यहाँ पर किया है। अगर हम बात करें मलेशिया थी वहाँ T20 सीरीज में बहरीन भी थी, उनको उनसे बेहतर उन्होंने परफॉर्मेंस किया वहाँ पर, और इस वनडे सीरीज की खास करके बात करें तो मलेशिया का जो परफॉर्मेंस है वो डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहा है, लेकिन कुवैत जो है उन्होंने काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। यानी इतना हम कह सकते हैं
कि प्रीमियर कप में कुवैत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक आध बड़ा अपसेट तो आप डेफिनेटली उनकी तरफ से देख सकते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बेहतर आपने एक लाइन बोली अपसेट, ये आपने बहुत सही कहा कि वो हो सकता है, वो डे पे निर्भर करता है कि अच्छा बिल्कुल सही दिया आपने, बहुत सही बात बोली, वरना तो आपको जबरदस्ती चलता है, तो आपने बहुत सही लाइन बोला कि अपसेट कर सकते हैं, अगर दिन रहा तो कर देंगे, नहीं रहा तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, इसको कोई दोहरा नहीं, तो बच के चलिए और अपने आप को तैयार, आप अपना क्रिकेट पे ध्यान दीजिएगा, जब कुवैत आपके सामने हो या कोई और भी कोई टीमें हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, तो अपने क्रिकेट पे 100% फोकस रखकर, ये नहीं दिमाग में कि ये कुवैत है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इसको तो हम ऐसे ऐसे हरा देंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो वो डे रहने पर वो आपको अपसेट कर देंगे, इसका जो जिम्मा है वो कुवैत के पास है, वो प्लेयर है इनके पास कि अपसेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इतना क्लियर है, अगर कुवैत हारता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि चलिए वो ऐसा भी नहीं था कि वो फेवरेट्स बनकर आए थे, लेकिन अगर वो हरा देते हैं तो डेफिनेटली ज्यादा शॉक मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी हुई है, जिनके नंबर हम कह सकते हैं कि नहीं कुछ आठ प्लेयर्स हैं, लेकिन वापस से हम कहेंगे कि अपसेट वाला मामला कुवैत में ज्यादा देखने को मिलेगा, ये नहीं कि कुवैत थोड़ा अच्छा खेला तो अरे इनसे बच के रहना पड़ेगा, बहुत बड़ा कुछ कर देंगे या एशिया कप खेल लेंगे, नहीं नहीं इतना भी नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, T20 होता तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट है, यहाँ पर डेफिनेटली इतना आसान चीजें होंगी नहीं। एंड एक लास्ट टीम और हांगकांग की यहां बात कर लेते हैं हम, हांगकांग की जो परफॉर्मेंस उनकी रही है T20 सीरीज में क्लिनिकल गए हैं, और हांगकांग ने इस पूरी जो उनका जो प्रिपरेशन शुरू हुआ था T20 सीरीज से लेकर इस वनडे सीरीज को मिलाकर एक भी मैच हांगकांग ने हारा नहीं है, चाहे वनडे सीरीज की बात करें या फिर T20 सीरीज की बात करें, इस प्रिपरेशन का आप किस तरह देख रहे हैं, T20 सीरीज को आप हटा दीजिए, T20 से प्रीमियर कप का कोई खास प्रिपरेशन होने से रहा, इस वनडे सीरीज की बात करें तो कैसे आप देख रहे हैं प्रिपरेशन, क्योंकि सामने जो टीमें हैं डेफिनेटली इतना आसान है नहीं, से और ज्यादा खुद को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में से एक दो अगर दो तीन प्लेयर शुरू के जल्दी चले जाते हैं तो जो उसके बाद का जो लोअर मिडिल ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर है वो ज्यादा रन नहीं कर रहा हांगकांग के लिए, बिल्कुल ये कंसर्न जरूर है। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, और हांगकांग को ये चीज देखने की जरूरत है कि उनके जो सारे स्क्रूज हैं वो टाइट रहे, क्योंकि हांगकांग एक बहुत बहुत बेटर साइड है, अगर जब भी एशिया कप की बात आती है, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये तो बहुत अजीब सा एक वो है, खुद में ही एक बहुत सॉरी जैसा है कि हांगकांग अभी वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है फिलहाल, अगर ओडीआई स्टेटस की हम बात करें, क्योंकि बेहतर इतनी अच्छी टीम है, उन्होंने ओडीआई स्टेटस गवा दिया अपना, और फिर चैलेंज लीग में भी उनका परफॉर्मेंस इतना खराब रहा है, और अब देखिए वो वापस से उसे वो ग्रैब नहीं कर पाए, और प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाए, तो इससे यही होगा कि बस एशिया कप आपके पास बसता है हर एक साल में, और पहले तो दो साल में आता था, अब तो हर साल एशिया कप आने लगा है, तो कम से कम यही कोशिश करनी होगी कि एशिया कप में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, जिसके लिए क्या हो ऐसी तैयारियां हो, A1 तैयारियां, और एशिया कप में आकर आप अपने आप को दिखाएं दुनिया को कि आज भी हांगकांग वैसी है जैसे कुछ सालों पहले थी, हमेशा एशिया कप में ये पहुंच ही जाए। जी हाँ बिल्कुल, ये सही कहा, मैंने कहा कि एशिया कप के परस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो हांगकांग काफी बेहतर करता जरूर है डेफिनेटली, लेकिन यहां पर चैलेंजेस अलग होने वाली है, UAE, ओमान, और अगर मैं बात करूं यहां पर नेपाल, जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहे हैं, तो ये तीन टीमों से खास करके बहुत ज्यादा एक कंपटीशन मिलने वाला है हांगकांग की अगर हम बात करें, लेकिन देखना होगा कि हांगकांग किस तरह से तैयारियां करता है, ऐसा नहीं कि ये तीन पहले नहीं आए थे, पहले भी तीन टीमों के सामने सामना हुआ है, इन तीन टीमों को हरा के ही कहीं ना कहीं वो आगे पहुंचे हैं जो लगातार एशिया कप से वो खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नेपाल के ओमान के खिलाफ पहली बार खेलने के लिए उतरेंगे, लेकिन सतर्क रहना होगा, क्योंकि खास करके नेपाल और ओमान की बात करें फॉर्म में रही थी, पहले के वक्त अपने वक्त में बहुत चेंज है, कप्तान चेंज है, प्लेयर्स चेंज है, प्लेयर्स का जो माइंडसेट है नेपाल के वो अलग है, ओमान के प्लेयर्स की बात अलग है, आकिब इलियास इंक्लूड वहां पर होंगे, डेफिनेटली एक टफ तीन ओपोनेंट्स वहां पर मिलने वाले हैं हांगकांग को सामने, लेकिन देखना दिलचस्प होगा, बहुत मजा आने वाला है प्रीमियर कप में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय जरूर रखिएगा, और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या कुवैत कुछ बेहतर बड़ा कर पाएगी प्रीमियर कप में या फिर नहीं, बहुत ही ठंडा रहेगा मामला, और चार वही ऑगस्ट टीमें पहुंचेंगी सेमीफाइनल में, हांगकांग, UAE, नेपाल और ओमान, आपको क्या लगता है क्या इसमें कुछ चेंजेस आएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारी अपडेट्स और सारी कवरेज जो है सिर्फ और सिर्फ डेलीग्रेट चैनल पर और कहीं भी नहीं। बाय।